पिच ऑब्वियसली अब इस तरीके का हो गया, जिस तरह एशियन कंडीशंस में अगर आप देखें तो पांचवें दिन जिस तरह का पिच होता है तो उस तरीके का पिच हो गया है। थोड़ा सा ये करेंगे स्पिनर को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है इस पिच पे, लेकिन मेन आई थिंक स्टिल जो फिलहाल उनकी जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई किया है उन्होंने अभी तक, और वो जो है उसमें बॉल कुछ बॉल नीचे रहे हैं, कुछ बॉल स्लो आए हैं। नया बॉल थोड़ा बैट पे अच्छा आ रहा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे बॉल पुराना हुआ है, जिस तरह उन्होंने लाइंस अपनी थोड़ी स्ट्रेट की, विकेट टू विकेट बॉल किए, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया शॉट खेलना। तो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंज होगा बैट्समैन के लिए, और कोशिश यही है कि जो प्ले सेट हो वो लंबा खेले जितना मैक्सिमम, क्योंकि जो प्लेयर इन हो जाता है वो इस पिच पे जैसे लगता है कि वो काफ़ी टाइम के लिए खेल सकता है और बड़ी इनिंग खेल सकता है। तो कोशिश यही है कि जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है मेरी और फवाद की वो मैक्सिमम जाए, और जितना हम सेट हुए हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम खेलें। और ऐसा ज़रूर पिच है कि अगर आप अंदर सेट हो जाएँ तो यू नो पूरा दिन भी खेल सकते हैं। नहीं, डिस्कशन यही है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है यू हैव टू टेक वन बॉल एट अ टाइम, और अपनी जो गेम है उसको कोशिश यही करते हैं कि जितना पॉजिटिव रह सकें उसके अंदर, क्योंकि सिचुएशन जब आप 3 विकेटें खो बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें आपको यही करना होता है कि अपने बॉल जो आ रही है उसको खेलें, जो उसका मेरिट है उसको खेलने की कोशिश करें। तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि यू नो सिंपल रखें चीज़ों को। देखें सिंपल सी बात है, जब पांचवें दिन आप बैटिंग करते हैं और जिस तरह का ये पिच है हमेशा चैलेंजिंग होता है, अप एंड डाउन भी होता है काफ़ी, तो कोशिश ये करेंगे जिस स्टार्ट अच्छा करें और पहला सेशन अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है, पहला फोकस उस पर है, उसके बाद देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है, किस कितना रन रेट है क्या है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि स्टार्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी दिन का। तो हमारा फोकस होगा जिस तरह से गेम चलेगी उस तरह लेके चलें उसको। नहीं, रिस्पेक्ट है, बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, चाहे वो अपोजिशन से हैं, आई थिंक ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ मी ऑल द प्लेयर्स, के क्या मीन करता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और कंट्री के लिए वो मैच खेल रहे हैं और काफ़ी पेन में थे। देखा अभी जो सेकंड इनिंग स्पेशली, फर्स्ट इनिंग में तो उन्होंने बॉलिंग कर ली थी, लेकिन सेकंड इनिंग में जब वार्म अप के लिए आए उनसे उनको काफ़ी पेन हो रहा था, तो हमें ये लगा कि अब ये बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल ही केम बैक और फिर बॉलिंग की उन्होंने, और यू नो कि इससे ज़्यादा कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता अपनी कंट्री के लिए, और ये एक मिसाल है आई थिंक हमें एज ए प्लेयर लेनी चाहिए कि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और अपने मैच खेल रहे हो तो अपना 110% जो मैक्सिमम आई थिंक उसने 200% दिया कि इतनी पेन के अंदर उसने बॉलिंग की है, आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम।